नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ओंडेंस्ट्रॉन एक सॉल्ट नेम है। ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को एमसेट और ओंडेम आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट 4 mg व 8 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट का उपयोग उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना और जी मिचलाना आदि समस्याओं को ठीक करने व रोकने के लिए ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। किसी सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद भी डॉक्टर उल्टी को आने से रोकने के लिए भी ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सिरदर्द होना, शरीर में थकान होना और कब्ज होने की समस्या हो सकती है। और कुछ व्यक्तियों में ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट की वजह से डायरिया यानी दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर ओंडेंस्ट्रॉन 4 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे ओंडेंस्ट्रॉन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वैसे ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट उल्टी को रोकने के लिए व ठीक करने के लिए एक फर्स्ट लाइन ऑप्शन नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं में उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदि समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर डोक्सिलामाइन और पाइरिडोक्सिन टैबलेट को कॉम्बिनेशन में लेने की सलाह दे सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को डॉक्टर ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ओंडेंस्ट्रॉन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।